नमस्कार और स्वागत है आपका हेलो इंग्लिश वर्ड्स दिस वीक में। इस सीरीज में आप सीखेंगे नए अंग्रेजी शब्द जो कि हिस्सा थे इस हफ्ते की बड़ी खबरों के। सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक में हुए बड़े फ्रॉड की एक खबर। जा मीन्स रूलर यानी कि राजा। फ्रीज मीन्स टू गेट टेम्पररीली लॉग्ड यानी कि कुछ वक्त के लिए बंद होना। इनवर्स से रिलेटेड न्यूज हेडलाइन है, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज फ्रोजन द बैंक अकाउंट्स ऑफ डिस्ग्रेस्ड डायमंड जा नीरव मोदी हु हैज एलिजिबली बीन इन्वॉल्व्ड इन अ ₹11,400 करोड़ फ्रॉड केस एट द पंजाब नेशनल बैंक। इसका मतलब हुआ आयकर विभाग ने बदनाम हीरों के व्यापार के राजा नीरव मोदी के बैंक खाते जब्त कर दिए हैं, जो कथित तौर पर पंजाब नेशनल बैंक में 11,400 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में शामिल थे। अब हाल ही में बनाई गई CBSE हेल्पलाइन की एक खबर। इनएबिलिटी मीन्स अनेबल टू डू समथिंग यानी कि असमर्थ। मेमोरी मीन्स एबिलिटी टू रिमेम्बर यानी कि स्मरण शक्ति। इनवर्स रिलेटेड न्यूज हेडलाइन है, द CBSE हेल्पलाइन सेट अप फॉर स्टूडेंट्स टेकिंग क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 5,600 कॉल्स इन अ स्पैन ऑफ 21 डेज विद इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम मेमोरी लॉस, इनएबिलिटी टू कोप विद द स्ट्रेस, प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स टू चॉइस ऑफ करियर। इसका मतलब हुआ कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा लेने वाले छात्रों के लिए स्थापित CBSE हेल्पलाइन ने स्मृति हानि, तनाव से निपटने के लिए असमर्थता, माता पिता से करियर की पसंद के दबाव के मुद्दों को लेकर 21 दिनों के दौरान कुल 5,600 कॉल प्राप्त किए। नाउ द मोस्ट ट्रेंडिंग न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट दिस वीक। ओन मीन्स टू पोजेस समथिंग यानी कि स्वयं का होना। गार्नर मीन्स टू गैदर और कलेक्ट यानी कि संचित करना। इनवर्स से रिलेटेड न्यूज हेडलाइन है, मलयालम एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वॉरियर हैज गार्नर्ड मोर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम देन फेसबुक को फाउंडर मार्क ज़करबर्ग हुज कंपनी आल्सो ओन्स द फोटो शेयरिंग ऐप। इसका मतलब हुआ मलयालम अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वॉरियर ने फेसबुक के सह संस्थापक मार्क ज़करबर्ग, जिनके कंपनी का फोटो शेयरिंग ऐप भी है, उनकी तुलना में इंस्टाग्राम पर और अधिक अनुयायी अर्जित कर लिए हैं। And now news about Canadian Prime Minister's visit to India. Week long means something that goes on for a week, yani ki saptah lamba. Visit means a temporary stay at a place, yani ki yatra. Inverse to related news headline hai, the Canadian Prime Minister Justin Trudeau is on a week long visit to India with his family. He has already visited Agra and Ahmedabad. Iska matlab hua, Canada ke Pradhan Mantri Justin Trudeau apne parivar ke saath Bharat ki ek hafte ki lambi yatra par hain. Is yatra mein ve Agra aur Ahmedabad ja chuke hain. Aur aakhir mein WhatsApp se sambandhit ek khabar. Description means written account of something or explanation, yani ki वर्णन। कैरेक्टर्स मीन्स लेटर्स और सिंबल्स यानी कि अक्षर या चिन्ह। इनवर्स से रिलेटेड न्यूज हेडलाइन है, फेसबुक ओन मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप हैज रोल्ड आउट अ ग्रुप डिस्क्रिप्शन फॉर एंड्रॉइड एंड विंडोज यूजर्स। द फीचर अलाउज यूजर्स टू एड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अप टू 500 कैरेक्टर्स टू द ग्रुप। इसका मतलब हुआ फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग सेवा व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड और विंडोज यूजर्स के लिए ग्रुप के एक विवरण को शुरू किया है। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को ग्रुप में अधिकतम 500 अक्षर या चिन्ह तक का वर्णन लिखने की अनुमति देता है। जा मीन्स रूलर यानी कि राजा। फ्रीज मीन्स टू गेट टेम्पररीली लॉक यानी कि कुछ वक्त के लिए बंद होना। इनेबिलिटी मीन्स अनेबल टू डू समथिंग यानी कि असमर्थता। Memory means ability to remember, यानी कि स्मरण शक्ति। Own means to possess something, यानी कि स्वयं का होना। Garner means to gather or collect, यानी कि संचित करना। Week long means something that goes on for a week, यानी कि सप्ताह लंबा। Visit means a temporary stay at a place, यानी कि यात्रा। Description means written account of something or explanation, yani ki varnan. And characters here mean letters or symbols, yani ki akshar ya chin. That's all for this week. So until next week, happy learning on Hello English.